वेलकम टू शिवज्ञान स्कॉलर्स एकेडमी, आई एम अपर्णा बोबड़े। अब तक की क्लासेस में हमने सीखा डायरेक्ट मेथड, पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस सीखा था, फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड सीखा, अभी हम सीख रहे हैं स्मॉल फिल्ड। स्मॉल फिल्ड में हमने उस दिन फॉर्मूलाज सीखे थे, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, किस तरह से हमने फॉर्मूलाज लिखे थे। अभी हम जो भी फॉर्मूलाज हमारे बाकी है वो सारे फॉर्मूलाज देंगे। पहले हमने सीखा था प्लस वन का फॉर्मूला, फिर माइनस वन का फॉर्मूला, फिर हमने प्लस टू का फॉर्मूला सीखा था, फिर अभी उसके बाद हमने माइनस टू का फॉर्मूला सीखा था। आज हम सीखेंगे प्लस थ्री का फॉर्मूला, हम सीखेंगे प्लस थ्री का फॉर्मूला, प्लस फोर, माइनस थ्री एंड माइनस फोर, ये चार फॉर्मूलाज हम आज सीखेंगे। सो प्लस थ्री का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था प्लस का फ्रेंड है माइनस और थ्री का फ्रेंड है टू। सो प्लस थ्री का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस टू प्लस फाइव। ये फॉर्मूला से आज के सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। सो पहले हम अपने आगे से क्लियर कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिख के दूंगी, वो एग्जाम्पल्स हम ये फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला है प्लस थ्री का फॉर्मूला, आज प्लस थ्री का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो गया फॉर्मूला उसका, माइनस टू प्लस फाइव। प्लस थ्री का फॉर्मूला है माइनस टू प्लस फाइव। ओके सो स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख कर दूंगी, फिर हम एबेकस किट पे सॉल्व कर लेंगे। पहला एग्जाम्पल है प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री, प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। ये हो गया प्लस टू एंड प्लस थ्री। हम एबेकस किट पे स्टार्ट करते हैं प्लस टू। सो वन स्टोर पे हम टू बिट्स को अपसाइड करेंगे, ये हमारा हो गया प्लस टू, देन अगेन प्लस टू है, सो हम यहाँ पे फिर से प्लस टू करेंगे, ये हो गया प्लस वन, ये प्लस टू, प्लस टू प्लस टू हो गया। अभी हमें करना है प्लस थ्री, सो हमारे पास कोई भी बीट अवेलेबल नहीं है, सो प्लस थ्री नहीं हो पाएगा यहाँ पे, सो प्लस थ्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो प्लस थ्री का फॉर्मूला है माइनस टू प्लस फाइव। सो यहाँ पे माइनस टू और प्लस फाइव करना है, सो माइनस टू करते हैं, माइनस वन माइनस टू, माइनस टू एंड प्लस फाइव, ये हमारा हो गया। सो प्लस टू और प्लस थ्री भी हो गया, सो इसका आंसर क्या आएगा, फाइव सिक्स सेवन, हमारा आंसर आएगा सेवन। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री, प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री। सो अभी ये भी हमें एबेकस पे स्टार्ट करना है, सो मैंने पहले एबेकस किट क्लियर कर ली है, अभी करेंगे प्लस वन। प्लस वन डायरेक्टली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी करेंगे प्लस टू, प्लस टू के लिए भी हमारे पास बिट्स हैं, सो ये प्लस टू भी हो जाएगा, प्लस वन एंड प्लस टू। अभी हमें करना है प्लस थ्री, सो प्लस थ्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अभी कोई बीट नहीं है हमारे पास अवेलेबल, सो प्लस थ्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्लस थ्री का फॉर्मूला है माइनस टू प्लस फाइव, सो यहाँ पे माइनस टू एंड प्लस फाइव, माइनस टू एंड प्लस फाइव, सो हमारा प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री, इसका आंसर आएगा फाइव सिक्स, आंसर आएगा हमारा सिक्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे सिक्स। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम सारी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा हो गया प्लस टू प्लस थ्री का फॉर्मूला, अगर प्लस थ्री हो और हमारे पास बिट्स ना हो सो हम स्मॉल फ्रेंड का यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अभी माइनस थ्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस थ्री, प्लस थ्री का फॉर्मूला होने के बाद हम करेंगे माइनस थ्री, माइनस थ्री का फॉर्मूला है माइनस का हो गया प्लस, थ्री का हो गया टू, थ्री का फ्रेंड है टू, सो माइनस थ्री का फॉर्मूला है प्लस टू माइनस फाइव, प्लस टू माइनस फाइव। आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूलाज लर्न होने बहुत जरूरी है, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं हो तो आप एग्जाम्पल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे या फिर आपकी कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सो ये लर्न करना है आपको। सो माइनस थ्री का फॉर्मूला यूज करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो पहले एग्जाम्पल है प्लस फाइव माइनस थ्री, प्लस फाइव माइनस थ्री एंड प्लस टू, प्लस फाइव माइनस थ्री एंड प्लस टू, सो प्लस फाइव डायरेक्टली हो जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी माइनस थ्री करना है, सो माइनस थ्री के लिए हमारे पास तो यहाँ पे बिट है ही नहीं, सो माइनस थ्री क्या करेंगे, प्लस थ्री होता तो हम कर लेते वन टू थ्री, पर यहाँ पे उन्होंने कहा है माइनस थ्री, सो माइनस थ्री के लिए फॉर्मूला है प्लस टू माइनस फाइव, यहाँ पे हम करेंगे प्लस टू एंड माइनस फाइव, प्लस टू एंड माइनस फाइव। अभी प्लस फाइव भी हो गया, माइनस थ्री भी हो गया, अभी हमें करना है प्लस टू, तो प्लस टू के लिए हमारे पास बिट्स हैं, सो यहाँ पे करेंगे प्लस वन एंड प्लस टू, सो
प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस टू, इसका आंसर आया है हमारा वन टू थ्री फोर, आंसर आया है हमारा फोर। एक और एग्जाम्पल स्टार्ट देखते हैं हम, यहाँ पे देंगे हम नाइन प्लस नाइन, प्लस नाइन के बाद आएगा माइनस थ्री एंड अगेन माइनस थ्री। ध्यान से देखिए, प्लस नाइन माइनस थ्री एंड अगेन माइनस थ्री। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, प्लस नाइन डायरेक्टली हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, प्लस नाइन, अभी माइनस थ्री, माइनस थ्री करने के लिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, डायरेक्टली हो गया माइनस थ्री। अभी हमें फिर से माइनस थ्री करना है, पर हमारे पास यहाँ पे तो बिट्स ही नहीं है, सो हम करेंगे माइनस थ्री का फॉर्मूला यूज। माइनस थ्री का फॉर्मूला है प्लस टू माइनस फाइव, सो यहाँ पे मैं करूंगी प्लस टू एंड ये हो गया माइनस फाइव, प्लस टू माइनस फाइव। सो अभी इस एग्जाम्पल का इस इट मीन्स प्लस नाइन माइनस थ्री एंड माइनस थ्री, इसका आंसर आया है वन टू थ्री, आंसर आया है थ्री। बहुत ईजी है। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद है हमारा प्लस फोर का फॉर्मूला, प्लस फोर। सो प्लस फोर का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस का है माइनस, प्लस का फ्रेंड माइनस और फोर का फ्रेंड वन। सो प्लस फोर का फॉर्मूला आएगा माइनस वन प्लस फाइव, प्लस फोर का फॉर्मूला है माइनस वन प्लस फाइव। ये अभी ये फॉर्मूला यूज करके मैं आपको दो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो पहला एग्जाम्पल है प्लस थ्री प्लस वन प्लस फोर, प्लस थ्री प्लस वन एंड प्लस फोर। सो पहले हम करते हैं प्लस थ्री, डायरेक्टली हो जाएगा वन टू थ्री, प्लस थ्री, देन उसके बाद प्लस वन और उसके बाद है प्लस फोर। सो अभी प्लस फोर करने के लिए हमारे पास कोई भी बिट अवेलेबल नहीं है, सो प्लस फोर करने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस वन प्लस फाइव। यहाँ पे करेंगे हम माइनस वन और यहाँ पे करेंगे प्लस फाइव, माइनस वन प्लस फाइव, प्लस फोर का फ्रेंड है। सो अभी इसका आंसर आएगा प्लस थ्री प्लस वन और प्लस फोर, इसका आंसर आएगा फाइव सिक्स सेवन एट, आंसर आएगा एट। बस फॉर्मूला यूज करो और एग्जाम्पल सॉल्व करो, अगर नहीं आ रहा है तो कोई भी जिस चीज का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करके हम सारे एग्जाम्पल इजीली, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए फॉर्मूला सारे हमें लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न ना हो तो हम कोई भी एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, प्लस फोर माइनस थ्री प्लस फोर, प्लस फोर माइनस थ्री प्लस फोर। सो ये भी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, प्लस फोर वन टू थ्री फोर, ये हो गया प्लस फोर। अभी हमें करना है माइनस थ्री, सो माइनस थ्री के लिए हमारे पास ऑलरेडी बिट्स हैं, सो हम माइनस थ्री डायरेक्टली कर लेंगे, माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। अभी हमें फिर से प्लस फोर करना है और हमारे पास बिट्स कितने हैं, वन टू थ्री, बस थ्री बिट्स हैं, हमें करना है फोर। सो अभी ये तो नहीं हो पाएगा, फिर हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। सो प्लस फोर का फॉर्मूला क्या है, माइनस वन प्लस फाइव, यहाँ पे करेंगे माइनस वन एंड प्लस फाइव, फिर इसका आंसर आया प्लस फोर माइनस थ्री प्लस फोर। इस एग्जाम्पल का आंसर क्या आएगा, फाइव, आंसर आएगा फाइव। बस इतना ही है इसमें, अभी प्लस फोर हो गया, अभी हम करेंगे माइनस फोर, माइनस फोर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर माइनस फोर हो और कोई बीट अवेलेबल ना हो तो क्या करना है, अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस फोर का। माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि मैंने बोला था फ्रेंड माइनस का फ्रेंड प्लस होता है और फोर का फ्रेंड है वन, सो माइनस फोर का फ्रेंड है प्लस वन एंड माइनस फाइव, माइनस फोर का फ्रेंड आएगा प्लस वन माइनस फाइव। अभी इसको लेकर, इस फॉर्मूला को लेकर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो अभी करते हैं स्टार्ट, प्लस सेवन माइनस फोर एंड प्लस फाइव, ये एग्जाम्पल हम इस एग्जाम्पल के स्क्रीन पे सॉल्व करके देखते हैं। प्लस सेवन, सो डायरेक्टली हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन, प्लस सेवन हुआ। अभी माइनस फोर, यहाँ पे माइनस फोर करने के लिए हमारे पास बिट्स नहीं है, बस दो ही बिट्स है, तो माइनस फोर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो माइनस फोर का फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस फोर का फॉर्मूला है प्लस वन माइनस फाइव, सो यहाँ पे करेंगे प्लस वन एंड ये हो गया माइनस फाइव, प्लस वन माइनस फाइव। अभी फिर से प्लस फाइव करना है, सो प्लस फाइव तो हमारा डायरेक्टली होगा क्योंकि हमारा प्लस फाइव फ्री है, सो ये प्लस फाइव। सो प्लस सेवन माइनस फोर और प्लस फाइव,
इस एग्जाम्पल का आंसर आएगा 5, 6, 7, 8, आंसर आएगा 8, है ना इजी। अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, +1 +7 +1 +7 -4 -4 +1 +7 and -4। सो +1 +1 डायरेक्टली हो जाएगा +1। अभी हमें करना है +7, तो +7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5, 6 and 7। +1 के बाद 5, 6 and 7। अभी -4 करने के लिए हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बस हमारे पास 3 बिट्स है। सो -4 का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। सो क्या फॉर्मूला आएगा -4 का, +1 -5। तो यहाँ पे हम करेंगे +1 करने के लिए हमारे पास बिट है, सो हम ये एक बिट को अपसाइड करेंगे, मतलब +1 and -5 बस। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको स्मॉल फ्रंट के जो भी फॉर्मूलाज मैंने आपको लिख कर दिए थे, वो सारे फॉर्मूलाज को लेके मैंने दो दो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करा के दिए हैं। अगर आपने ये आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी वीडियो दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा और एबेकस आराम से सीखिएगा। अभी एक और बात बतानी है आपको, हमारे वीडियोस बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और मुझे कमेंट में बहुत सारे पेरेंट्स ने ये भी पूछा है कि आप एबेकस की बुक और किट अवेलेबल करा के देती हो क्या। सो मैं उनको कहना चाहूंगी हाँ, अगर आपको बुक्स और किट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आप अपना नंबर दे दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेंगी और आपसे बात करके आपके एड्रेस पे वो सारी चीजें भेज देगी जो भी आपको चीजें चाहिए। सो आज तक की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली मेथड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।